हे गाइस, सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, बट उससे जानने के पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, इट इज अ सिस्टम और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाई मेजरमेंट्स। ये किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या करते हैं, क्वांटिफाइड मतलब उसके क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं मेजरमेंट के द्वारा, है ना। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं कोई, और उसके बाद उसका यूनिट, ठीक है। उस क्वांटिटी की पहले हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देन यूनिट। जैसा कि मास, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 2 kg, सो 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज द यूनिट ऑफ मास। फिर हम आते हैं वेलोसिटी पे। हमने बोला कि किसी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 5 m/s है नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पे 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, अगेन m/s इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या हुआ कि कुछ बेसिक डिफरेंस के कारण हमने इसको 2 मेन कैटेगरीज में रखा, और वो मेन कैटेगरीज क्या हैं, ये है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आखिर हमें इन्हें दोनों कैटेगरीज में रखने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे किसी ने हॉस्पिटल का पता पूछा, ठीक है। उसने पूछा, भैया हमको बता दीजिए कि हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूरी पर है। आपने बता दिया कि यहाँ से भैया 10 km की दूरी पर है, और वो क्या किया, गया हॉस्पिटल, लेकिन पहुँचा ही नहीं। 10 km की जगह उसने 15 km लगा दिए, 17 km लगा दिए, लेकिन वो हॉस्पिटल पे व्यक्ति पहुँचा ही नहीं। पहुँचेगा कब, जब आप ये तो बताएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आप बता देते कि हॉस्पिटल नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप उधर चले जाइए, तो वो व्यक्ति सही जगह पर पहुंच जाता और 10 km के ही रेडियस में, लेकिन नहीं। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को दी वो अधूरी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी भी क्वांटिटीज के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने क्या बताया कि वो स्केलर क्वांटिटीज में होगा या वेक्टर क्वांटिटीज में होगा। सो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों की, स्केलर क्वांटिटीज में हम देखते हैं कि अगर कोई क्वांटिटीज होता है तो अगर बस हमें उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए, क्या पता चल जाए, मैग्नीट्यूड, परिमाण। और एक क्वांटिटीज में हमने देखा कि हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो है ही, साथ में उसका डायरेक्शन भी चाहिए। तब उस कंडीशन में हमने उसको क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई सामान लाने जाना पड़ा, है ना, तो मम्मी बोली कि जाओ चीनी लेकर आओ। तो आपने पूछा कितना, तो उन्होंने बोला कि 2 kg ले लेना, 2 kg ले लेना। तो ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये इंफॉर्मेशन इतने पे ही पूरी हो गई। तो हमने इसको क्या कह दिया कि जिस भी क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड हो, देर इज नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, देर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में जो भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करेंगी उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन जैसे ही आपने उस व्यक्ति को क्या बताया था, हॉस्पिटल वाला केस लिया था, उसको आपने इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी थी, आपने ये नहीं बताया कि 10 km के साथ साथ वो नॉर्थ डायरेक्शन में भी है, आपने सिर्फ 10 km ही बताया था, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी, तो इसलिए वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। उसको सही जगह पर पहुंचने के लिए आपको कैसी क्वांटिटीज बतानी पड़ेगी, वेक्टर क्वांटिटीज बतानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तब जाके वो इन्फॉर्मेशन पूरी होगी। और ऐसे क्वांटिटीज जिस भी कैटेगरी में आती हैं हम उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो इसके कुछ सिंपल से एग्जांपल हैं, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, दूरी, मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल। जितनी भी दूरी तय की जाए, जितनी भी लंबाई तय
करी जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही हमारी दूरी होती है। तो उसमें हमें जैसे 2 किलोमीटर चल लिए, 3 किलोमीटर चल लिए, 10 किलोमीटर चल लिए, तो ये सारे क्या करें हम लेंथ अप पाथ, मतलब किसी भी रास्ते को हम क्या कर रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी लंबाई को क्या कर रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं। उस केस में हमारी लंबाई क्या हो रही है बढ़ती चली जा रही है। तो इन दैट केस हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या बोल दिया डिस्टेंस, और ये किस में आया स्केलर क्वांटिटीज में। ऐसा ही हमारा मास है, मास के लिए सिर्फ हमें कितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, बस मैग्नीट्यूड, भाई कितना मास है इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का, इस पार्टिकल का, 2 kg, बस यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हुई कंप्लीट हुई। तो हमने कह दिया कि मास इज स्केलर क्वांटिटीज। ऐसे ही हमारी स्पीड है, स्पीड में हम बता देते हैं, अरे भैया आप गाड़ियाँ बहुत तेज चला रहे थे, तो उसने पूछा भैया कितना चला रहे थे, कुछ नहीं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो रही होगी, है ना। बस उसने क्या बताया 60 किलोमीटर पर आवर, उसने डायरेक्शन नहीं बताया, तो वो चीज़ क्या बन गई स्पीड। इसी स्पीड में हमने बोल दिया, स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया कि आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप जा रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो स्पीड अब कब बदल गई वेलोसिटी में, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी हमारे किस में आ गया वेक्टर क्वांटिटीज में, क्यों, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, स्पीड में हमने एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दिया डायरेक्शन, तो वो हमारे क्वांटिटीज क्या बन गई वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। इसी तरीके से चार्ज, चार्ज मतलब कितना चार्ज, कितना कूलम चार्ज, चार्ज से हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो चार्ज कितने अमाउंट में है, कितने कूलम्ब में है। तो हमने बोल दिया जो जितना भी कूलम्ब होगा, नंबर ऑफ कूलम्ब ऑफ चार्जेस, तो हमने उसको क्या बोल दिया स्केलर क्वांटिटीज के अंडर में आ गया ये। ऐसा ही हमारा वेलासिटी, इसमें क्या होता है स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फोर्स हो गया, फोर्स आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे, तो उसका डायरेक्शन निर्धारित होगा। मान लीजिए कोई पोजीशन ए है, यहाँ पे कोई पोजीशन ए है और ये एक बॉडी है ए, और आपने इधर से फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये बी पोजीशन पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया बी पोजीशन पे, ये पॉइंट है। अब ये कहाँ पे पहुँच गया ए पोजीशन से बी पोजीशन पे, तो फोर्स किधर लग रहा है ए टू बी की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्लियर है, तो हमने क्या बोला कि फोर्स भी क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि इसमें भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि कितना न्यूटन का फोर्स लगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, तो कितना न्यूटन का फोर्स लगा उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसके साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी फिक्स होता है। मतलब फोर्स में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन जिधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उधर की तरफ डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो हमने उसको बोल दिया कि ये भी आएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटीज में। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है हमारा, ठीक है। अगर हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसने ट्रैवल किया है जो भी डिस्टेंस, तो हम बता देंगे इनिशियल से फाइनल पोजीशन किस तरफ है। तो इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसे ही हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सेलरेशन और टॉर्क, ठीक है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। सो ये है इनका एग्जाम्पल्स। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, ये लेक्चर। थैंक यू।